अपनी मूंछों को दांव पर लगाकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाने वाले बीजेपी के कद्दावर नेता और ऑपरेशन घर वापसी के महानायक कुमार दिलीप सिंह जुदेव की जशपुर में लगी आमदकद प्रतिमा का अनावरण उनके निधन के 9 साल बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हाथों होने जा रहा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, इसमें भी वाह वाह है और उसमें भी वाह वाह है। अपने जमाने में छत्तीसगढ़ बीजेपी के कद्दावर नेता और 2003 विधानसभा चुनाव में अपनी मूंछों को दांव पर लगाकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाने वाले बीजेपी के कद्दावर नेता और ऑपरेशन घर वापसी के महानायक जिनकी अपने जमाने में छत्तीसगढ़ में तूती बोलती थी कुमार दिलीप सिंह जुदेव की जशपुर में लगी आदम कद प्रतिमा का अनावरण उनके निधन के 9 साल बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हाथों होने जा रहा है। 14 नवंबर को जशपुर में दिलीप सिंह जुदेव की प्रतिमा के अनावरण के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जनजातीय गौरव दिवस पर आमजन को भी संबोधित करेंगे। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, इसमें भी वाह वाह है और उसमें भी वाह वाह है। और जो संघर्ष करता है, मुसीबत झेलता है, मुसीबतों में रहने वालों को किस बात की परवाह है, इसमें भी वाह वाह है और उसमें भी वाह वाह है। ये कभी मत भूलिएगा कि शिव प्रताप सिंह जी को प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता का बनाने वाला ये कमल छापवा दे दो। जिसके लिए आरएसएस वनवासी कल्याण आश्रम समेत बीजेपी के सभी अनुसांगिक संगठनों ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। गौरतलब है कि 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर अमन सिंह की घोषणा के 9 साल बाद स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। कि पिताजी सिर्फ जशपुर के नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के थे, पूरे भारतवर्ष के थे। जो भी लोग उनसे जुड़े हैं सभी सादर आमंत्रित होंगे और एक बड़े लेवल पर कार्यक्रम होगा जिसको हमेशा याद किया जाएगा। और इस कार्यक्रम को हम जितना बड़ा कर सके ऐसा करने की पूरी प्लानिंग हो रही है। जुदेव की मूर्ति अनावरण के साथ ही उत्तर छत्तीसगढ़ से बीजेपी का चुनावी शंखनाद भी हो जाएगा। तैयारी बहुत अच्छी हो रही है और एक बैठक भी उसमें कल्याण आश्रम से हुआ है, तो कल्याण आश्रम के नेतृत्व में कार्यक्रम होगा और पूरी पार्टी उसमें सहयोग करेगी। और अभूतपूर्व कार्यक्रम जशपुर में शायद पहले कभी हुआ भी नहीं है, ऐसा कार्यक्रम सब मिलकर करेंगे। गांव गांव में बैठकें लेकर हल्दी चावल देकर कार्यक्रम के लिए न्योता भेजा जा रहा है और दलगत भावना से ऊपर उठकर, क्योंकि कुमार साहब अजात शत्रु थे, इस कार्यक्रम में हम लोग सिर्फ कोई उनके लोग ही नहीं, उनके जितने भी प्रेमी थे वे लोग सब आ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये जशपुर के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा। 2003 विधानसभा चुनाव में अपनी मूंछों को दांव पर लगाकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार तो बना ली थी, लेकिन किसी कारणवश जुदेव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। हाँ, ये जरूर है कि आखिरकार घोषणा के 9 साल बाद अब उनकी प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। जशपुर से योगेश थवाइत के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।